विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सारे मुल्क भर में ही मुल्क की 75वीं यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे का जश्न बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। हर गली हर कूचे में तमाम सियासी कायदीन और हर डिपार्टमेंट के आला अहलकारों की जानिब से परचम कुशाई का अहतमाम करते हुए बेहतर तरीके से कौमी परचम को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तनाजुर में भी पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा हाफिज बाबा नगर के इलाके में RHG ग्रुप के जिम्मेदारान की जानिब से बड़े ही शानदार पैमाने पर कौमी परचम लहराते हुए रिपब्लिक डे की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर शेख अली, समीउल्ला बेग, नेमत उल्ला बेग, अमजद खान और दिगर कई सारे ग्रुप के जिम्मेदारान व मेम्बरान भी शामिल थे। इस मौके पर खिताब करते हुए जिम्मेदारान ने आवाम को एक बेहतरीन पैगाम देते हुए सभी को एकजुट होकर मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने की भी इन्होंने हिदायत दी। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर हम तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं और परचम कुशाई का अमल हुआ है। आज की इस तारीख दिन को और बिलखसूस हिंदुस्तान की आज़ादी को हम याद करते हैं और आज के ही दिन, आज की ही तारीख को हमारे मुल्क का दस्तूर और आईन बना है। वो दस्तूर, वो आईन, वो कानून जो इस मुल्क में हर मजहब के रहने बसने वाले को उसकी मजहबी आज़ादी देता है। यकीनन मुसलमान इस मुल्क का शहरी है और अव्वल दर्जे का शहरी है और इस मुल्क में मुसलमानों को अपने इस्लाम मजहब पर अमल करने की पूरी मुकम्मल आज़ादी है। और ये मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब इस मुल्क में अमन आश्ती होगी, भाईचारगी होगी और आपस में गंगा जमनी तहजीब कायम रहेगी। अगर इस मुल्क में नफरतें फैलाई गई और इस मुल्क की अमन आश्ती को ख़राब करने की कोशिशें की गई तो ये अमन और तरक्की हरगिज़ नहीं कर सकेगा। आज ज़रूरत है इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आपस में मोहब्बत को फैलाने की, क्योंकि बाज़ लोग वो हैं जो मजहब के नाम पर हुकूमतें करते हैं और आपस में मजहब में मजहबी लोगों के अंदर लड़ाई लगाने की कोशिशें करते हैं, नफरतें फैलाने की कोशिश करते हैं। जो काम अंग्रेज नफरत डालो फूट डालो हुकूमतों का किया था, आज यही मुल्क के गद्दार लोग चाहते हैं कि आपस में नफरतें पैदा करके इस मुल्क के अंदर हुकूमतें करना चाहते हैं। लेकिन जब तक सेकुलरिज्म जहन रखने वाले लोग मौजूद हैं और सही जो है अमन आश्ती चाहने वाले मौजूद हैं तो इस मुल्क से कोई भी अमन आश्ती को ख़त्म नहीं कर सकता, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म नहीं कर सकता। यकीनन हम आज के इस मौके पर जो है तमाम को मुबारकबाद देते हैं भाईचारगी का, मोहब्बत का, अखुवत का। और जिस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हमारे आपस के अंदर जो मोहब्बतें थी वो मोहब्बतें बाकी रखने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क को मज़ीद आगे तरक्की कर सके और इस मुल्क से नफरतें ख़त्म हो जाए। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।